गुड मॉर्निंग गाइज, नाउ वी विल डिस्कस यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। टोटल फोर टॉपिक हैं आपके यहाँ, ठीक है। आपकी बुक में जो दे रखा है बस वहाँ जो डाटा अभी रिसेंट के हैं उसकी कमी है वहाँ, तो लेटेस्ट अपडेट करने के लिए मैंने आपको, आप चाहें तो जो एनुअल रिपोर्ट है फॉरेन ट्रेड की, उस एनुअल रिपोर्ट को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल से डाउनलोड करिए, पीडीएफ है ये पूरी, और ये सफिशियंट है आपके पास, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर सब कुछ आता है, तो उसकी एनुअल रिपोर्ट 2021 की आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। आप सिंपल सा यही लिख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट 2020-21 डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फिर उसके बाद पीडीएफ लिखिए और ये आपको मिनिस्ट्री की साइट पर दिख जाएगी, और डायरेक्ट लिंक है इसका, इसको आप डाउनलोड करिए। अब आपको फोर्थ फिफ्थ यूनिट में जो लेटेस्ट फिगर हैं फॉरेन ट्रेड के वो पढ़ने हैं केवल, तो वहाँ समझाने जैसी चीज़ें कम हैं। अब आपके चार टॉपिक रह जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड में, और लास्ट टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट। उस पर अभी लेटेस्ट कोई रिपोर्ट अलग से नहीं है, इसी में इंक्लूडेड है वो थोड़ा बहुत जो भी है। तो इसी के साथ आपकी पांचों यूनिट एंड हो जाएंगी, ठीक। इससे पहले मैंने आपको तीन यूनिट कम्प्लीटली करा दी हैं, इन दो यूनिट को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। और ये आप डाउनलोड करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बुक में काफ़ी पुराना है, अब हम 2021 की जो एनुअल रिपोर्ट है और जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जैसे 15 से 20 थी आपके यहाँ जो भी दिया हो, ठीक है। अगर आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी पढ़नी है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 20 में नई लॉन्च होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस दिक्कतें हुई तो उन्होंने इसी पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है, और ये मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कोई पूछता है, एग्जिम पॉलिसी, तो 15 से 20, और एक लाइन उसमें और ऐड कर देंगे आप कि मार्च 2021 तक वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो वही पढ़नी है आपको, ठीक। 15-20 के की फिगर्स आपको मिल जाएं, ठीक है। उसमें 2017 में मिड रिव्यू हुआ था उस पॉलिसी का, वो पॉइंट्स भी अगर आपको कहीं इजीली अवेलेबल हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, वरना ये मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ ये सफिशियंट है, लेकिन आपको लेटेस्ट फिगर ही लिखने हैं, ठीक है। तो फिर आपको पता ही है चीज़ों को आउटलाइन जब तक नहीं करेंगे आप, ठीक, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, तीन टॉपिक इसी में ऐड कर देंगे, ठीक। ये आपकी एक तरीके का ओवरव्यू है, ठीक। इसको ना पढ़ के, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, या फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड, किसी भी तरह से क्वेश्चन होता है आपको यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखना है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर टोटल आप करेंगे तो कम से कम 30-35 ऑर्गेनाइजेशन बैठेंगे, तो 30-35 ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस वगैरह सबको याद रखना मुश्किल काम है, तो हम जो मेजर मेजर चीज़ें हैं उनको कंसीडर करेंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और ये कॉमन क्वेश्चन है यूनिट फोर से, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया ट्रेड और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो अभी का रिव्यू है, तीन भी टॉपिक फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से रेडी कर लेते हैं तो आपको दोनों यूनिट कवर हो जाएंगी, ठीक है। पेपर यूनिट वाइज आए तब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वी आर डिस्कसिंग इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी फ्रेम करता है, ये ध्यान रखेंगे,
ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अपेक्स बॉडी हो जाती है, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनानी है, इसी को ठीक है अपने अकॉर्डिंग जो इमर्जिंग सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिकल उसमें चेंजेज करने हैं, उसको रिव्यू करना होता है, और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अटैच्ड ऑफिस, सम ऑटोनॉमस बॉडीज, सम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इसको असिस्ट करते हुए एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्टेट ट्रेडिंग, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड कमोडिटीज की फंक्शनिंग को साथ साथ कराते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लिखना है, जिसका काम आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाने का काम है और फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक, नंबर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने के लिए, मल्टीलेटरल बायलेटरल कॉमर्शियल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए, और एक्सपोर्ट प्रमोशन और तमाम डिस्प्यूट रेमेडीज, इन सारे फंक्शंस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एक कह सकते हैं एक हब बॉडी है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे की पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फ्रेम करती है। ठीक, और इसमें आपकी 10 डिविजन्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी डिवीजन, देन फॉरेन ट्रेड टेरिटोरियल डिवीजन, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज सर्विस इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस डिवीजन, सप्लाई डिवीजन और लास्ट इज लॉजिस्टिक डिवीजन। तो 10 डिवीजन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स काम करता है। हर डिवीजन के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ अंडरटेकिंग्स और कुछ बॉडीज बनाई गई हैं जो इन ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि उनके डिवीजन के हैं, उनको अचीव करने में असिस्ट करती हैं, जिसमें आपके पास 2 अटैच ऑफिस हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, 10 सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, 10 ऑटोनॉमस हैं, 5 PSU हैं और एक SPV भी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो आप यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो 2 और 10 12 और 10 22 और 5 27 के बाद यहाँ देखिए 14 आपके EPC हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं, और 6 अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 27 प्लस 14 आप ऐड करेंगे तो मैंने कहा था आपसे 30-35 ऑर्गेनाइजेशन आपके बनते हैं। ठीक, तो 30-35 ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, गो थ्रू होना होगा इससे, जो याद करने की चीज़ें वो आपको ऑटोमेटिकली। सबसे पहले अटैच ऑफिस की बात करते हैं, 2 अटैच्ड ऑफिस हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। ठीक है, सबसे पहले है DGFT, ठीक, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये आपका मेन विदेशी व्यापार का सचिवालय मान लीजिए आप इसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अटैच्ड ऑफिस है ये। ठीक, इसको 1991 में स्टार्ट किया गया था। DGFT का सिंपल सा काम है आपका फैसिलिटेशन का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन बनाने का काम है, और किसी भी तरीके से इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री और यू कैन से इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री को हैम्पर ना होने देना, उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो सारे प्रोविजन बनाना DGFT का काम है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसके 24 रीजनल ऑफिस भी हैं। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन, उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, अगर मेंबर्स की बात है तो, और एक दो मेन फंक्शन पढ़ेंगे, इतना ही लिखा हुआ है। ठीक, और ये मेन रिपोर्ट है, मैं उसी से आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो फिर अब कुछ रह नहीं जाता। तो DGFT समझ में आया, सिंपल सा, इट प्ले अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर। ठीक, अब इट प्रोवाइड द रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेदर द रूल्स रेगुलेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, 24 रीजनल ऑफिसेस हैं,
दूसरा है आपका डीजीटीआर, ठीक है, जो न्यूली फ्रेम्ड किया है। इससे पहले आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, ठीक है, आपकी किताब में यही लिखा होगा और किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है इन दो यूनिट में, वे केवल आप सिंपल साइज पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डायरी में नोट्स बना लीजिए और सफिशियंट है ये, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, इतना भी लिखा आपने तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। डायरेक्टरेट डीजीटीआर, डीजीएफटी और डीजीटीआर, डीजीटीआर आपका पहले पुराना नाम उसका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज था, ठीक, ये भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अटैच्ड ऑफिस है। अब देखिए ये सिंपल सा क्या है, ये ट्रेड रेमेडी लिखा है और आप जब भी टर्म लिखेंगे उससे मतलब ड्रॉ कर लेंगे तो आप उसके फंक्शन भी लिख पाएंगे, फिर आपके पास दो ही काम रह जाएंगे, उसके रीजनल ऑफिसेस और उसके हेड ऑफिस और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को जानना रह जाएगा। तो आप पॉइंट को सही से एलोबरेट तभी कर पाएंगे जब पॉइंट का मतलब आएगा। 2018 में डीजीटीआर बनाया गया था, इससे पहले बहुत सारे काम थे जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स, सेफगार्ड ड्यूटी, इन सबको इम्पोज करने के लिए पुरानी संस्था जो भी थी 2016 में हमने डीजीटीआर फ्रेम किया, वो एक रेमेडियल फॉर्म है। तो यहाँ किसी भी तरह की आपको अगर रेमेडी रिक्वायर्ड होती है तो डीजीटीआर का यही काम है, इट प्रोवाइड ट्रेड रेमेडीज, ठीक। अगर वहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है तो दिस इज द रेमेडी के प्राइस लेवल को सेम कर दिया जाता है। आपके यहाँ कोई अपने यहाँ से भी माल अगर कम दामों पर यहाँ बेच देता है और उस प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक, तो आपके यहाँ मार्केट स्पॉइल हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम उस आने वाले माल पर डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं, तो फिर उसके प्राइस लेवल इक्वल हो जाएंगे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी मैंने आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी में बताया था, कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूटीज होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म ड्यूटीज होती हैं। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी जैसे ही आपको किसी भी तरह का प्रोहिबिशन और किसी भी तरह का कंट्रोल मेंटेन करना है तो यू हैव इम्पोज्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सेफगार्ड मेजर्स हैं, कुछ सेफगार्ड ड्यूटीज हैं, ठीक है। इन सारे के सारे फॉर्म की वजह से ही एक तरीके का मल्टी सेक्टर स्किल तैयार हो जाता है जिससे हम डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की रेमेडीज अवेलेबल कर पाते हैं। तो दो अटैच्ड ऑफिस हैं, डीजीटीआर और डीजीएफटी, ठीक। और जब भी आप जो ट्रेड रेमेडीज देते हैं वो डब्ल्यूटीओ के जो अरेंजमेंट्स हैं और जो रूल्स हैं उनके रिलेवेंट ही रखते हैं, रिलेवेंट इसलिए रखते हैं वरना फिर बीइंग अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ आप डब्ल्यूटीओ की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका कंट्रावेंशन नहीं किया जा सकता। इसलिए वी ऑलवेज फ्रेम डीजीटीआर रूल्स कंसिस्टेंटली या विच रिलेवेंट विद द डब्ल्यूटीओ अरेंजमेंट। अब बात करते हैं सबॉर्डिनेट ऑफिस की, 10 सबॉर्डिनेट ऑफिस हैं, ठीक है, तेजी से देखेंगे, सिंपल है सब कुछ। सबसे पहले है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक। अब देखिए कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक का डायरेक्टरेट है ये, तो सिंपल सा काम है इसका, एक ही काम होगा, कलेक्शन कंपाइलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंडियाज ट्रेड स्टेटिस्टिक, ठीक। तो इसका सिंपल सा काम हो गया कि भारत के ट्रेड से रिलेटेड आपको कोई भी डाटा चाहिए, उस डाटा को कलेक्ट करना, उसको कंपाइल करना और फिर उसको जिस जिसको ज़रूरत है उसको डिसेमिनेट करना पब्लिकली, वेदर डिपार्टमेंट वाइज जिसको ज़रूरत है। तो वो नाम से ही आपको दिख रहा है, इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है, ठीक है। इसके पास ISO सर्टिफिकेशन है कि वो एक ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड कराता है, ठीक, उससे आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो DGCIS का मतलब समझ में आ गया, विच प्रोवाइड कॉमर्शियल इंटेलिजेंट स्टेटिस्टिक, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, कंपाइलेशन ऑफ डाटा और डिसेमिनेशन ऑफ डाटा। अब किस रेस्पेक्ट में होगा वो आप समझ ही गए हैं कि वो इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के एस्पेक्ट्स में होगा।
दूसरा है आपका जो सेज होते हैं, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में डेवलपमेंट कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, और डेवलपमेंट कमिश्नर एक ऑफिस मान लीजिए आपको, तो उसको ऑफिस ऑफ डीसी कहते हैं। तो आपके यहाँ टोटल 7 सेज हो गए, ठीक है। तो फिर ये आपको 7 सबॉर्डिनेट ऑफिस, आपको 10 सबॉर्डिनेट ऑफिस चाहिए, तो DGCIS पहला हो जाता है, ठीक। दूसरे में आपको 7 मिलेंगे, जिसमें पहला कोचीन, दूसरा फालता, तीसरा मद्रास, चौथा कंडला, पांचवा संता क्रूज, छठा विशाखापट्टनम और सातवां नोएडा, ठीक। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ स्कीम चलती हैं, जिसमें सेज एक्ट 2015 चलता है और सेज रूल्स 2006 उसको में प्रवेल करते हैं, ठीक है। टोटल काम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, 100% एक्सपोर्ट करना होता है या जो कुछ भी बनता है, ठीक। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लाए गए थे, और ये 7 जो आपको मैंने हाईलाइट किए हैं, कांडला, विशाखापट्टनम, सांता क्रूज, काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट परसेंटेज में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ समझ लेंगे, यहाँ से अगर आपने कोई भी चीज़ इनको एज ए इनपुट प्रोवाइड की, तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहेंगे आपके लिए, और इनके लिए वो डीम्ड इम्पोर्ट कहलाता है, ठीक है, अगर आप सेज से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो सेज अलग अलग हैं, जेम्स ज्वेलरी के हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हैं हर सेज में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन को बेस बनाने के लिए सेज डेवलप किए गए थे, सेज एक्ट 2005 के तहत ये सेज बनाए गए थे, ठीक। उसके बाद तीसरा देखेंगे अगर, तो पे एंड अकाउंट ऑफिस, ठीक है। अब देखिए, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उस ट्रांजैक्शंस में या तो पेमेंट करना होगा या रिसीविंग करनी होगी, या फिर आपको गारंटी प्रोवाइड करनी होगी, तो नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है। तो उसके लिए चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ठीक, फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री, और कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, इन सब के साथ टोटल 10 पे एंड अकाउंट ऑफिस बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 4 दिल्ली में हैं, 2 चेन्नई में, 2 मुंबई और 2 कोलकाता। मैंने कहा समझाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको चीज़ें बस सिंप्लीफाई करूँगा। तो पे एंड अकाउंट ऑफिस समझ में आ गया, जो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट कर रहा है आपके यहाँ, तो आपको बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए और बाहर से पेमेंट यहाँ लेने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये जो अकाउंटेंट हैं, इसमें चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ये सारे के सारे लोग इसको असिस्ट करते हैं, यानी इसी, यही इनका मेन फंक्शन है, ठीक। इन्हीं की सुपरविजन में ये काम चलता है, जिसमें 4 PEO दिल्ली में है, टोटल 10 पे एंड अकाउंट ऑफिस है इंडिया में, 2 चेन्नई, 2 मुंबई, 2 कोलकाता। अब ये सारे के सारे आपको पता है समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, इनमें ही ज़्यादा ट्रेड होता है, तो इनको इसीलिए ऐसी जगह बनाया गया है। वैसे भी अगर बाई एयर भी ट्रेड होता है, तब भी सबसे बड़े एयरपोर्ट भी कहे तो इन्हीं मेगा सिटीज में है। उसके बाद बात करेंगे ऑटोनॉमस बॉडीज की, ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडीज खुद में सिंपल सा एक एक्ट के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, और वो अपने ही रूल्स रेगुलेशन के थ्रू रन करती हैं, ठीक है। उनको ऑटोनॉमस बॉडीज कहते हैं। ऑटोनॉमस बॉडीज में कमोडिटी बोर्ड आते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ एक बोर्ड को समझ लेना आप ढंग से, उसके बाद में अगले बोर्ड में वो सेम बातें होती हैं। कॉफ़ी बोर्ड एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कॉफ़ी एक्ट 1942 के अंडर बनाया गया था। तो अगर आपसे कोई कॉफ़ी बोर्ड कब बना, तो अगले साल को आप कंसीडर करिए, तो 1943 में कॉफ़ी बोर्ड बना, ठीक है। अब कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत ये क्रिएट किया गया, उसके बाद इसमें 33 मेंबर्स हैं सेक्रेटरी को इंक्लूड करके, ठीक। और जो 31 मेंबर्स हैं
ठीक है, वन सेक्रेटरी हो गया, 31 मेंबर्स जो रिमेनिंग रह गए वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ कॉफ़ी जिन जिन स्टेट में उगती है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ठीक है, उन्हीं की ज़रूरत है वैसे भी, ठीक, ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अब हम एक और चीज़ याद रखेंगे, अब कॉफ़ी बोर्ड का काम क्या होगा, वो कॉफ़ी से रिलेटेड एरिया में रिसर्च पर, उसके एक्सटेंशन पर, मार्केट डेवलपमेंट पर, मार्केट इंटेलिजेंस पर और इंटरनल एक्सटर्नल प्रमोशन पर और लेबर वेलफेयर मेजर्स पर ही फोकस करेगा। देखिए, कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी जब यहाँ पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक एक्ट जिसके तहत उसको क्रिएट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, दूसरा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, तीसरा उसका हेड ऑफिस कहाँ है, और चौथा कि जो उसका नाम है ना, जैसे कॉफ़ी बोर्ड है तो कॉफ़ी बोर्ड में कॉफ़ी से रिलेटेड रिसर्च, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी को डेवलप करना तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉफ़ी के लिए नए मार्केट तलाशना तो मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक, इंटरनल एक्सटर्नल प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी, अब कॉफ़ी में इंगेज्ड लोगों के लिए भी तो लेबर वेलफेयर मेजर्स क्या हैं, कॉफ़ी ग्रोवर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कॉफ़ी ग्रोवर्स को नंबर ऑफ टाइम्स पे लोन्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन सारे अगर पॉइंट्स को एक बार कंसीडर कर लिया, हर बोर्ड में आपको यही लिखना है, क्रेडिट फैसिलिटीज, रिसर्च एक्सटेंशन डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटरनल प्रमोशन एंड लेबर वेलफेयर मेजर्स, ये आपके मेन फंक्शन रहेंगे किसी भी बोर्ड के, ठीक है, थोड़ा सा वेरी करेंगे लेकिन आप पढ़ सकते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का आपका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, उसके अलावा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जैसे वेलेहोनरु और चिक्के मंगलुरु और कई सारी जगह पर, कर्नाटका में भी इसका रिसर्च सेंटर है, ठीक, बहुत सारे रीजनल रिसर्च स्टेशंस भी हैं लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, असम, तो वो बहुत सारी बातें हो जाएंगी फिर, उतना सफिशियंट है। उसके बाद दूसरा बोर्ड है रबर बोर्ड, जिसको 1947 एक्ट सेक्शन 4 के तहत एस्टेब्लिश किया गया था, 29 मेंबर्स हैं, ठीक। अब यहाँ भी आपको रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लेबर का इंटरेस्ट, रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर रिसर्च, गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट्स, लोगों को जो रबर ग्रोवर हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको लोन चाहिए, वो सब इसमें मेन फंक्शन होंगे, ठीक है। तो रबर इंडस्ट्री को प्रमोशन कैसे देना है, सारी रबर को एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रमोशन कैसे करना है रिलेटेड विद रबर, वो सब आपको यहाँ देखना होगा, ठीक है। अब मैं आपको दो बोर्ड बता चुका हूँ, सेम है सारे बोर्ड। देन नेक्स्ट चलते हैं तो टी बोर्ड, अंडर एक्ट, टी एक्ट 1953 में जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसमें भी 31 मेंबर्स हैं, ठीक, दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं इसमें और एक चीफ सीईओ, एक डेप्यूटी चेयरमैन हो गया। बोर्ड का सिंपल सा वही काम है, किसी भी तरीके से टी का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, टी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक, वैल्यू एडिशन और टी का ही एक्सपोर्ट मेजर, तो वो टी बोर्ड का मेन फंक्शन। टी ग्रोअर को बहुत सारी फैसिलिटीज देना, ट्रेनिंग की ज़रूरत है ट्रेनिंग देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करने हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप किए जाएं, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टबैको बोर्ड, ठीक है, टबैको बोर्ड भी ये सारे ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। टबैको बोर्ड में जो मेन टबैको है वो है वर्जीनिया टबैको, जिसकी एक्सपोर्ट में काफ़ी डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में, तो इसी के एक्सपोर्ट प्रमोशन को ज़्यादा जोर दिया जाता है। टबैको बोर्ड एक्ट 1975 के तहत टबैको बोर्ड बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में रहे, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है प्लांट डेवलपमेंट ऑफ टबैको इंडस्ट्री इन द कंट्री। अब प्लांट डेवलपमेंट जब कोई कहता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उसके प्रोडक्शन को, ठीक है, वर्जीनिया टबैको की क्योरिंग को, ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द ग्रोअर को डिसेमिनेट करना और टबैको की ग्रेडिंग कैसे की जाती है, ठीक है, वो ग्रोअर को सिखाना, नया मार्केट तलाशना वर्जीनिया टबैको के लिए,
एग्जिस्टिंग मार्केट को इम्प्रूव और मेंटेन करना, और अगर लगा तो वर्जीनिया टबैको को गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ उसको खरीदना भी पड़ता है। ठीक है, तो हर बोर्ड में आप उतना लिख सकते हैं, उस बोर्ड कमोडिटी आपको पता चल जाती है। तो बस एक्ट का याद रखिए, मेंबर्स याद रखिए, हेडक्वार्टर याद रखिए, और उसके बाद उसकी फंक्शनिंग आप आसानी से लिख सकते हैं। टी है तो टी की फंक्शनिंग, उसके बाद है स्पाइस बोर्ड। ठीक है, फिफ्थ पांच बोर्ड हैं ये मसालों के, चाय के। स्पाइस बोर्ड में अगर आप देखेंगे 52 स्पाइसेस हैं जिनको शेड्यूल किया गया है इस बोर्ड के तहत। ठीक, ये बोर्ड स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था, अंडर सेक्शन 331। मेंबर्स हैं कोच्चि केरला में, इसका मसालों की नगरी कहते हैं वैसे कोच्चि केरला को, और उसका एक ही रीजन है, इसीलिए स्पाइस बोर्ड का हेडक्वार्टर उन्होंने कोच्चि रखा है। यहाँ भी प्रमोशन डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, क्वालिटी कंट्रोल, उसका पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक स्पाइसेस इन इंडिया इन नॉर्थन रीजन। तो मेन फंक्शन वही है सारे बोर्ड के, मैंने आपसे पहले ही कहा है। ठीक, रिसर्च हो, एक्सटेंशन हो, डेवलपमेंट हो, रेगुलेशन हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो, और वहाँ उससे जो इन्वॉल्व लेयर है, लेबर लेबर है, उसका वेलफेयर, और जो स्पाइस ग्रोवर हैं उनका भी वेलफेयर से रिलेटेड जितनी स्कीम है वो सब एप्लीकेबल करनी। हाँ, ये चार पांच आपके पास बोर्ड हो गए। उसके बाद छठा बोर्ड है आपका मपडा कहेंगे इसे मेरी भाषा में, अमेरिकन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको 1972 एक्ट मपडा के तहत बनाया गया था। इसका सिंपल सा काम है मैरिन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है आपका उसको बढ़ावा देना, और मैरिन यानी कि समुद्र को प्रिजर्व, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं रिलेटेड द समुद्री प्रोडक्ट्स उनको मेंटेन करना आपका मपडा का काम है। अगला है जिसको मैं अपडा कहता हूँ। ठीक, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, इसको 85 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और फाइव रीजनल ऑफिसेस हैं, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी। 14 एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए मपडा काम करता है, उनके डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए इतना सफिशियंट है अपडा में। उसके बाद 10 पढ़ने नाम है, 7th के बाद 8th है EIC, जिसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल कहते हैं। तो प्री शिपमेंट हो, ठीक है, या पोस्ट शिपमेंट हो, हर जगह इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए हमारी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो एक्सपोर्ट एक्ट 1963 के तहत एस्टेब्लिश की गई थी, जिसको EIC कहते हैं। तो दिस इज एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें एक चेयरमैन होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा काम है क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज जिसको एक्सपोर्ट करना। ठीक, उसके बाद 9th पॉइंट है आपका, ये ऑटोनॉमस बॉडीज हैं सारी, IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। और IIFT के बारे में एक चीज जान लें कि ये अब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नैक का ए ग्रेड मिला है इसको, वैसे ये इंस्टीट्यूट था और अच्छा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है। इसमें आपको MBA करना हो तो MBA आपको यहाँ करने को मिलता है, लेकिन कैट का स्कोर ही IIFT में एप्लीकेबल है, तो फिर थोड़ा सा टिपिकल और डिफिकल्ट है चीज़ें। IIFT एक डिग्री कोर्स भी देता है, और जो रिलेटेड विद फॉरेन ट्रेड रिसर्च कराना इसका मेन काम है, फॉरेन ट्रेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये दो ही मेन फोकस हैं इसके। देन 10th है IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। अब देखिए बहुत सारे
प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी पैकेजिंग एक की रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसी वजह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत मई 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। सेम काम इनका भी वही है, पैकेजिंग वाला इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, उसमें अलग नए चैलेंजेज को आइडेंटिफाई करना और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड विद पैकेजिंग को यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रिपोर्ट डेवलप करके रखता है ताकि उसकी चीज़ें आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग वो भारत की इंडस्ट्री में भी वो चेंज ला पाए रिलेटेड विद पैकेजिंग मटेरियल और स्टाइल ऑफ पैकेजिंग। अभी तक आपने दो अटैच ऑफिस पढ़े, उसके बाद कुछ ऑटोनॉमस बोर्ड पढ़े, ठीक। देन कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें सबसे पहले स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एसटीसी कहते हैं इसे, जिसे 56 में सेटअप किया गया था। मेन काम है वीट, पल्स, शुगर, एडेबल ऑयल्स, इन सब को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, और अगर इंडस्ट्रियल मटेरियल भी है तो उसको भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना। अभी इसमें एक एसटीसीएल लिमिटेड, जिसको स्पाइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहते हैं, जो एसटीसी की ही सब्सिडरी है, वो वाइंडिंग के प्रोसीजर यानी उसका वाइंडिंग अप प्रोसेस में है अभी। देन एमएमटीसी, इस पीएससी को डेवलप किया गया था मिनरल्स एंड मेटल्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो केवल नॉन फेरस मेटल्स और मिनरल्स एंड ओर्स को ही इंपोर्ट करती थी, लेकिन अभी इसके फील्ड में भी थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया है। नाउ एमटीसी आल्सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फर्टिलाइजर्स, बुलियन, एग्रो, ईटीसी। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह एक ही रही होगी, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ तेज़ी से आ सकता है वो सेक्टर भी एमएमटीसी में कवर कर लिए। फेरस मेटल्स होते हैं जो उनसे लोहा बनता है, ठीक, नॉन फेरस मेटल जिनमें लोहा नहीं होता है। तो पहले ये केवल नॉन फेरस मेटल के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, फेरस मेटल भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए, फर्टिलाइजर्स और एग्रो प्रोडक्ट का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं ये। उसके बाद तीसरी है आपकी पैक लिमिटेड, जिसको प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से आप जानते हैं। इसको 1991 में एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाया गया, और इसका काम है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम है। उसके बाद ईसीजीसी लिमिटेड, ईसीजीसी लिमिटेड 1956 कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक कंपनी है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम और लॉन्ग टर्म आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। लेकिन नाम में मैंने आपसे कहा, जैसे इसका नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने का इनका मेन फंक्शन होगा। तो मिशन ऑफ ईसीजीसी इज टू सपोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बाई प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विस टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। देन एन ई आई ए,
ठीक है, जिसको 2006 में डेवलप किया गया, जिसके लिए टोटल फंड ट्रस्ट का 66 करोड़ था। ठीक, देन ITPO जिसका काम, जैसे आपने दिल्ली ट्रेड फेयर सुना होगा, ऑक्सो, ऑटो एक्सपो सुना होगा, ये सारे के सारे ITPO के अंडर आने वाले एग्जीबिशन हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल के एग्जीबिशन होते हैं। तो भारत में या भारत के बाहर एग्जीबिशन और भारत के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आउटलेट्स और एग्जीबिशन लगाना सारा काम ITPO का है। ITPO नए नए मार्केट डेवलप कराती है थ्रू एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स इन नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। मेन ऑब्जेक्टिव इनके यही है, टू प्रमोट, ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल ट्रेड, टू पब्लिश इन इंडिया अब्रॉड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन इंडिया, इनवाइट द फॉरेन पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट इन देम, गुड्स एंड सर्विस को प्रमोट करना, इनविटेशंस भेजना और नए मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर। तो मेन इसका काम ही ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, विच प्रमोट द ट्रेड थ्रू द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर्स। तो कॉमन बातें हैं, थ्योरी नहीं है ये, केस में आपको समझने में देर लगे। उसके बाद कुछ आपके SPV डेवलप किए गए हैं, जिनको स्पेशल पर्पज व्हीकल कहते हैं। तो आज की डेट में हम कोरोना के ड्यूरिंग चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोविड के ड्यूरिंग, तो ई मार्केट डेवलप किए हैं गवर्नमेंट ने, जिस पर प्रोक्योरमेंट की एक लिमिट होती है कि इतना माल सरकार आपसे खरीदेगी खरीदेगी। सो नाउ द ई मार्केट प्लेस एज ए नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल अंडर सेक्शन 8 कंपनी इनको रजिस्टर्ड किया गया है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये गुड्स एंड सर्विस को एक्वायर कर रहे हैं, धीमे धीमे प्रोक्यूर कर रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको चीज़ें बतानी, अपलोड करनी है, उसके बाद आपका माल भारत सरकार उठा लेती है। नेक्स्ट है आपका EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। अब देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स को अगर आपको लर्न करना है तो और ईजी तब है जब आप कुछ प्रोडक्ट्स को ध्यान रखें। तो सबसे पहले EPC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का सिंपल सा मतलब है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना और उसको बेचकर बाहर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना। इसके लिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स डेवलप किए। तो सबसे पहले है आपका बेसिक केमिकल कॉस्मेटिक एंड डाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसमें आपका डाई और डाई के इंटरमीडिएट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एग्रोकेमिकल्स, कॉस्मेटिक सॉप, टॉयलेट ट्रीज एंड एसेंशियल ऑयल, कैस्टर ऑयल, इन सब के प्रमोशन के लिए हमने ये EPC डेवलप की है। उसके बाद दूसरी हमने डेवलप की है जिसे केमिकल अलाइड प्रोडक्ट EPC कहते हैं, जिसको 58 में सेटअप किया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। इसका हेड ऑफिस आपका कोलकाता में है और 4 रीजनल ऑफिस हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। काउंसिल का सेम फंक्शन होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज ऑफ पब्लिकेशंस एंड प्रिंटिंग, पेपर बोर्ड प्रोडक्ट्स, ग्लास, ग्लास वेयर, मिसलेनियस प्रोडक्ट में प्रोसेस्ड मिनरल्स, सेरेमिक्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, प्लाईवुड, ऑसेसिन, जेलेटिन, बल्क मिनरल्स एंड ओर्स, नेचुरल स्टोन प्रोडक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट EPC के अंडर आती हैं, और मेन फंक्शन इनको एक्सपोर्ट प्रमोशन ही है। उसके साथ तीसरा है EPPC इंडिया। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने EPPC फॉर्म किया है, जो अंडर सेक्शन 25
यानी सेक्शन 8 कंपनी है ये भी एक तरीके से। ठीक, इसका भी मेन काम वही रहेगा जो अभी डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद है स्पोर्ट्स गुड्स ईपीसी, तो मेरठ हो या जालंधर हो आप वो चीज़ें जानते ही हैं। स्पोर्ट गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने स्पोर्ट्स गुड्स ईपीसी डेवलप किया है और बहुत सारे सेलैक्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में जिनकी काफ़ी डिमांड है। ठीक, उसके लिए कोलकाता में रजिस्टर्ड ऑफिस है जिनका। 2007 में इसका नाम सेलेक्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कर दिया गया था। काउंसिल का मेन फंक्शन सिंपल सा वही है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और सेलेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मार्केट में बेचा जाए। ठीक, उसके बाद गौरगम प्लांट एंड प्लांट पोर्शन, फिक्स्ड बेवरेज, ऑयल केक एंड अदर्स, अदर वेजिटेबल्स मिनरल्स, मल्टी प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन सब प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए हमने सेलेक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल डेवलप की है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब नाम से ही देख लीजिए, मैंने आपसे इसीलिए कहा इसे 2004 में डेवलप किया गया था। इट आल्सो सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप किया गया हैदराबाद में, इसका रीजनल हेड ऑफिस है। उसके अलावा मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु में रीजनल ऑफिसेस हैं। काउंसिल में 4500 मेंबर हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड दो ही चीज़ें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी है, या तो आप फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड मेडिसिन या फिर रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन को ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उसी के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल डेवलप किया गया। उसके बाद एक आपका सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल डेवलप कर दिया गया 2006 में। ये एक एडवाइजरी बॉडी है ईपीसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो इसको भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया की फ्रेमवर्क के तहत डेवलप किया गया। और आज भारत से जितने भी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट हो रहे हैं उन सब को प्रमोट करने के लिए आपका प्रोजेक्ट ईपीसी डेवलप किया गया। इतना काफ़ी है, सिविल कंस्ट्रक्शन हो, टर्नकी प्रोजेक्ट्स हो, प्रोसेस इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस हो या फिर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, जिसमें स्टील सीमेंट को हटा देते हैं, तो इन सब आइटम्स को प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन आइटम्स में इंक्लूड किया जाता है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही डेवलप की जाती है। तो अगर कोई कहता है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो समझ लीजिए प्लास्टिक, ठीक, और नाइलोन, लियम, ठीक, उन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए डेवलप की होगी। अब ये आपकी कैस्यू ईपीसी है, ठीक, तो जो कैस्यू है यानी काजू है, ठीक, या तो केवल उसका पूरा का पूरा नट सेल, ठीक, उससे निकलने वाला लिक्विड या उससे अलाइड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, ये मेन इस ईपीसी का काम होगा। इसको 17 अगस्त 1955 को बनाया गया था, तो ये आपका एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है जब से इसे बनाया गया है। कॉमन बातें हैं अभी तक। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक,
जिसने 54 साल कंप्लीट कर लिए हैं आज बने हुए। और जैमसन ज्वेलरी का एक चीज़ ध्यान रख के, भारत जैमसन ज्वेलरी में वर्ल्ड में टॉप प्लेयर है, इंपोर्ट में भी टॉप प्लेयर है कि पहले इंपोर्ट करते हैं ये रफ स्टोन्स रफ डायमंड को और उसके बाद उनको पॉलिश्ड करके फिर से एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है जेम्स ज्वेलरी का, इसलिए उसके लिए भी ईपीसी डेवलप किया गया। और लाइक अदर सेक्टर, COVID-19 हैज अफेक्टेड जेम्स ज्वेलरी सेक्टर ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ बिजनेस फैक्ट्रीज बिजनेस। ठीक, कुछ वेडिंग पोस्टपोन हुई, कैंसिल हुई, तो और बहुत सारे कारण है, लॉकडाउन तो मेजर कारण है ही। तो अभी देखेंगे जेम्स ज्वेलरी में कैसा उछाल है आगे, जब हम इंडियाज ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर कंसीडर करें जेम्स ज्वेलरी तक, तो आपके 14 ईपीसी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है एडवाइजरी बोर्ड। तो एडवाइजरी बोर्ड में सबसे पहला बोर्ड है जिसको कहते हैं BOT, बोर्ड ऑन ट्रेड, जिसको 2016 में फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसका सिंपल सा काम यही है, डिस्कशन एंड कंसल्टेशन विद द ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेजर्स। तो क्योंकि एडवाइजरी बॉडी है तो सरकार को एडवाइज करेगी ऑन द पॉलिसी मेजर्स, उससे पहले वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके थ्रू एडवाइज करना, ये इनका मेन काम है। तो मेन काम देखें अगर इनका, तो टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्राइसिंग स्टेट गवर्नमेंट UT एंड अबाउट इंटरनेशनल डेवलपमेंट अफेक्टिंग इंडियाज ट्रेड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयर देम टू डील विद इवॉल्विंग सिचुएशन टू हेल्प स्टेट गवर्नमेंट डेवलप एंड परस्यू एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन द लाइन विद नेशनल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हाँ, अब देखिए वो सिंपल सा है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनी है उसके कंसिस्ट ही आपको अपनी स्टेट की पॉलिसी डेवलप करनी होगी। To facilitate mechanism for discussion and operationalization of trade infrastructure, to examine existing institutional framework for import-export, to review policy instrument and procedure for import and exports, to examine issues which are considered relevant for the promotion of India's foreign trade. देखिए सारी बातें कॉमन इसीलिए हैं कि एडवाइजरी बोर्ड का सिंपल सा काम ही उन सारे एस्पेक्ट पे एडवाइज करना है जिनके थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को या तो एग्जामिन करना हो या पॉलिसी को रिव्यू करना हो या प्रमोशन ऑफ इंडियाज ट्रेड को आगे लेके जाना हो, उन सारी बातों में बोर्ड ऑफ ट्रेड एक कॉमन प्लेयर की तरह एडवाइज करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन फॉरेन मार्केट। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FIEO कहते हैं, ठीक, जिसको 1965 में सेटअप किया गया था, या अपेक्स बॉडी है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का फेडरेशन है। ठीक, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्स बॉडी क्या है आपकी, FIEO, जिसको सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया गया है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सत्रह ऑफिसेस हैं इसके पूरे भारत में, सारे मेट्रो सिटीज और कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, रांची, इंदौर को कवर करते हुए ये भी 9001:2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एक सिंपल सा एक ही काम करता है, सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर इंटरेक्शन बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स एंड इन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। It function as a primary servicing agency to provide integrated assistance to its
over 32,000 members. Export Promotion Council, Commodity Board, Development Authority, Chamber of Commerce, Star Export House, Consultancy Organization, Trade Association, ये सारे के सारे इसके members हैं। तो वैसे भी सिंपली अगर समझना हो तो, क्योंकि ये एक फेडरेशन है, तो फेडरेशन का सिंपल सा काम होता है नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ एक फेडरेशन बनाना और उस फेडरेशन के थ्रू जो मेन ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना, ठीक। और उसके बाद अदर्स में आता है FDDI, सॉरी उससे पहले है IDI, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में जिसका हेडक्वार्टर है। डायमंड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डायमंड की ग्रेडिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसके लिए पॉलिशिंग करना, जेमोलॉजी का अध्ययन करना, तो सारे स्पेक्ट्रम ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी को कंसीडर करने का काम इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट में किया जाता है। उसके बाद है FDDI, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। तो भारत सरकार अगर फुटवेयर का एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहती है तो उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका काम है FDDI। इसको 86 में सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड किया गया था। लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री में लेबर को स्किल्ड बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा, टू प्रोवाइड स्किल्ड मैन पावर एंड टेक्निकल सर्विस टू द लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री। इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है FDDI को 2017 में। और ये आपकी जो फुटवेयर, लेदर, फैशन, रिटेल एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसमें अच्छा खासा रोल प्ले करता है, ठीक। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं इसके, नोएडा में FDDI है, फुरसतगंज, चेन्नई, कोलकाता, अंकलेश्वर, पटना, गुना, जोधपुर। तो यहाँ MBA चलता है आपका फुटवेयर डिजाइनिंग में, एक डिप्लोमा भी होता है, BTech भी है फुटवेयर डिजाइनिंग में। तो दीज प्रोवाइड नंबर ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग डिजाइन, CAD और CAM के डिप्लोमा यहाँ मिलते हैं इन फुटवेयर। और वही सारा लेदर, फैशन, फुटवेयर सारे आइटम्स को डेवलप करना है FDDI का, और इससे रिलेटेड 2-3 कोर्स चलते हैं इनके यहाँ। और पैन इंडिया पहुँच है इसकी भी एक तरीके से। उसके बाद NCTI जिसको बाइंडिंग अप करने जा रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ट्रस्ट, इसको 2003 में बनाया गया था। और देखिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ट्रस्ट का सिंपल सा काम है कि अगर भारतीय, ठीक है, जो ग्रोवर ऑफ कॉफ़ी, टी, रबर, टबैको हैं, लो प्राइस की वजह से विदेश में मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनको प्राइस स्टेबलाइजेश करने के लिए एक फंड डेवलप कर रखा है जिससे उनको 10 साल तक के लिए, ठीक है, सॉरी 10 साल तक के लिए नहीं, ट्रस्ट वाज उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ट्रस्ट की तरफ से मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी और इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी। और ये नई खबर है कि द ट्रस्ट वाज री रजिस्टर्ड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 साल, ठीक है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ये भी एक ट्रस्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डेवलप किया था। इसका मेन काम है टू प्रमोट एंड क्रिएट इंटरनेशनल अवेयरनेस ऑफ ब्रांड इंडिया इन ओवरसीज मार्केट एंड टू फैसिलिटेट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्योंकि ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एक तरीके का ट्रस्टी होगा और मेन काम है इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करना आउटसाइड द इंडिया,
और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ताकि ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जितने भी ऐड करने हैं और चीज़ें हैं मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए, हमने इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन डेवलप किया है। तो इसके साथ आपका इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लेंथी है, मैंने इसीलिए कहा आपसे, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को पढ़ना जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स देखता है, चीज़ें लेंथी हो ही जाएंगी। तो आपने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पूरा पढ़ा, यहाँ पर दो अटैच ऑफिस पढ़े, 10 आपने ऑटोनॉमस बॉडीज पढ़ लिए, 5 PSU पढ़ लिए, 14 EPC पढ़ लिए। तो मैंने कहा ना 30-35 ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना मुश्किल काम है, इसीलिए आप कुछ की डेट, कुछ के हेडक्वार्टर पता रखिए और ईजिली याद हो जाते हैं। और फिर उनका जो टेक्स्ट लिखना है आपको, उस टेक्स्ट में उस पॉइंट को ध्यान रखिए। जैसे इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है तो सिंपल सा है, इट इज लाइक अ ट्रस्ट। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक ट्रस्ट डेवलप किया था, उस ट्रस्ट का सिंपल सा काम क्या होगा, टू प्रमोट द इंडियन ब्रांड इन फॉरेन मार्केट, टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ इंडिया। तो यही मेन काम है उनका, प्रमोशन ऑफ इंडियन ब्रांड। तो इसको तो आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड को देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।